एक गांव गांव पांव पांव पहले से चल रही है और आज कम्बल वितरण गरीबों को, विकलांगों को, जिनके पास इस कड़ाके की सर्दी में कम्बल वगैरह नहीं है, उनको यहाँ के जरसाना के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम रखा। तो चुनाव की शुरुआत तो अब हो ही रही है। नेताजी, तो इस शुरुआत के हिसाब से माना जाए कि सपा का जो भ्रम था, क्या वो टूट चुका है? क्या अब ये अटकलें समाप्त कर दी जाएं कि कोई रास्ता नहीं बचा है जो कहीं से संधि हो सके? देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहे, चुनाव चिन्ह हमारा चाबी मिल चुका है और हम अलायंस करना चाहेंगे और हमने ये भी कहा कि सभी समान विचारधारा की जितनी पार्टियां हैं सब लोग इकट्ठे हो, और जब सब लोग इकट्ठे होंगे और उसमें अगर शोषित पीड़ित लोगों की पार्टियां हैं वो भी इकट्ठे हो जाएं जी। और फिर हमने ये भी कहा है कि लोहिया जी ने नारा दिया था 1963 में गैर कांग्रेस वाद, अब उससे भी बदतर स्थिति इस समय पूरे देश की है। तो हमने कहा कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने में सब लोग एक हो जाओ तो सब कामयाब हो जाएंगे। मेरा 2 महीने से किसान सड़कों पर है, बीजेपी कानून को हटाने के मूड में नहीं है, क्या लगता है आगे क्या रणनीति रहते हैं किसानों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून पास किए, केवल उद्योगपतियों के लिए। अब देखिए, निजीकरण करते चले जा रहे हैं, रेल है, बहुत सी चीज़ें हैं जैसे एयरपोर्ट है, ये सब दे दिए हैं। और अब इन्होंने किसानों के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों की जमीन भी उद्योगपतियों को देने के उसमें है। बीजेपी का साफ तो ये किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जो है केवल बरगला रहा है, हम जो कानून ला रहे हैं वो सही है कानून, कहीं ना कहीं उसमें अच्छा देखिए, उन्होंने जो भी कानून लाए, नोटबंदी उसमें फेल हुए, GST लाए उसमें फेल हुए, भ्रष्टाचार बढ़ा, लॉकडाउन लिया पहले ही दिन, रेल बंद, बसें बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, उसकी वजह से बेरोजगारी कितनी फैली है। जितने भी निर्णय लिए हैं इसी तरीके से, ये जो किसानों वाला कानून है ये किसान विरोधी है। इससे भी देखिए, किसानों को मजदूर बनाना चाहते हैं कौन, किसानों को मजदूर, जब उनके हाथ से जब ज़मीनें चली जाएंगी, वो बीज भी अपने रेट से देंगे, खाद भी देंगे और फिर खरीदेंगे अपने मनमाने तरीके से। चलिए नेताजी, कुल मिला के इस बार की क्या भूमिका रहेगी प्रदेश में? कितनी सीटों पर या पूरी सीटों पर सभी पर प्रत्याशी रहेंगे या कुछ सीटें चयनित की हुई हैं? देखिए, अलायंस करेंगे, बातचीत होगी तो अलायंस कर लेंगे जी। बिल्कुल ठीक, धन्यवाद।